लोग डिस्कस करने वाले हैं सिंगुलर नाउन को और प्लूरल नाउन को, और ये दोनों क्या है, ये दोनों नाउन की ही टाइप्स में से दो टाइप्स हैं। ओके गाइस, तो पॉइंट की तरफ आते हैं। सबसे पहले इसका मतलब को समझते हैं कि इसका मतलब क्या है भाई। सिंगुलर नाउन क्या है? सिंगुलर का मतलब होता है, मतलब सिंगल का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक चीज के बारे में बात हो रही है तो वो क्या होती है, वो सिंगल होती है, अकेली चीज है, एक चीज है, वो क्या है, वो सिंगल होगी। नाउन लगा हुआ है साथ, मतलब कि नाउन में पहले बता चुकी हूँ किसी भी चीज के नाम को हम नाउन कहते हैं। किसी सिंगल नाम के बारे में जब बात होगी तो हम उसे क्या कहेंगे, सिंगुलर नाउन बोलेंगे। डेफिनेशन की तरफ आते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग, यूज अ सिंगुलर नाउन। मतलब क्या हुआ कि जब भी आप किसी एक पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी एक एनिमल के बारे में बात करते हैं, प्लेस के बारे में बात करते हैं या थिंग के बारे में बात करते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप सिंगुलर नाउन को यूज करते हैं। मतलब कि कोई भी ऐसी चीज हो जो सिंगल होगी तो वो क्या होगी, वो सिंगुलर नाउन होगी हमारी। फॉर एग्जाम्पल, बॉय है, नाउन तो है ही, बट क्या है, आ लगाया हुआ है। आ का मतलब होता है एक, आ हम किसी एक चीज के लिए यूज करते हैं, अ बॉय मतलब कि एक लड़का, अ फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ के बारे में बात हो रही है तो हम लगाएंगे आ, अ बस, अ रेफ्रिजरेटर, अ कॉम, अ गर्ल, अ की, अ वैन। अब इसमें क्या है, अब हम सबके साथ ही आ का यूज नहीं करते, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हम एन का यूज करते हैं, और वो वर्ड्स कौन से होते हैं और हम क्यों उनके साथ एन लगाते हैं, वो इसलिए लगाते हैं वाउल्स वर्ड्स की वजह से। वाउल वर्ड्स कौन से होते हैं, वो पांच तरह के होते हैं और ये स्क्रीन पे आपको नजर भी आ रहे होंगे, ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या होते हैं, हमारे वाउल्स होते हैं। जिस भी वर्ड में शुरू का लेटर अगर इनमें से कोई एक होगा तो हमने क्या करना है, वहां पे हमने एन लगा देना है। अगर किसी सिंगल चीज के बारे में बात हो रही है, कोई सिंगल नाउन है और फर्स्ट उसका लेटर जो है वो वाउल है, तो हमने क्या करना है, वहां पे हमने बस एन लगा देना है। ओके गाइस, फॉर एग्जांपल, एन एक्स, अब देखें ए लगा हुआ है तो हमने क्या लगाया है, यहाँ पे एन लगाया, ए वाउल वर्ड है यहाँ पे। एन इग्लो, आई है, वाउल वर्ड है तो हमने एन लगाया है। एन एग, एन ऑरेंज, एन इनवेलप, एन अम्ब्रेला, यू है, वाउल वर्ड है, एन आइसक्रीम। ओके गाइज, बट सम वर्ड्स डोंट फॉलो दिस रूल, बट कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो इस रूल को फॉलो ही नहीं करते। भाई वाउल वर्ड लगा हुआ है लेकिन वो कहते हैं हमने यहाँ पे ए ही लगाना है, कुछ वर्ड्स हैं ऐसे, वो सिर्फ दो ही वर्ड्स हैं, और वो कौन से वर्ड्स हैं, एक तो है यूनिफॉर्म, एक है यूनिवर्सिटी। अब देखिए वाउल वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे, यू लगा हुआ है लेकिन यहाँ पे लगेगा ए ही, ये सिर्फ ये दो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम एन का यूज नहीं करते हैं। यूज ए नॉट एन बिफोर दीज वर्ड्स दैट बिगिन विद यू, यू से शुरू होने वाले ये सिर्फ दो वर्ड्स हैं जिनके साथ हम ए का यूज करते हैं। एंड अदर वर्ड्स स्टार्ट फ्रॉम ए, बाकी वर्ड्स क्या है, हम ए से ही स्टार्ट करेंगे, अ बास्केट, अ रेनबो, अ बाउल, अ मॉन्स्टर, अ कार। बट सम वर्ड्स डोंट फॉलो दिस रूल, अब वही बात आ गई भी, यू हम वाउल वर्ड से पहले एन तो लगाते थे, बट अब आ में भी ये चक्कर आ गया कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं वहां पे कि वाउल वर्ड नहीं है बट हम वहां पे एन लगाना पड़ेगा हमें। वो कौन से वर्ड हैं, वो है फर्स्ट पे है एन, एयर, देखें ये वर्ड है, एच है, हमने इसको साउंड एच का नहीं दिया, हमने आ का, ए का साउंड दिया है, वाउल वर्ड का साउंड। ऐसे वर्ड्स जो वाउल वर्ड का साउंड देते हो उनके साथ भी हमने एन लगाना होता है, जैसे कि एन ऑनर, अब देखिए एच है, हॉनर नहीं पढ़ रहे हम इसको, हमने ऑनर पढ़ना है तो हमने यहाँ इसके साथ क्या लगाया है, एन लगाया है। जो वर्ड्स वाउल वर्ड्स का साउंड भी देते हैं ना, उसके साथ भी हमने एन का यूज करना है, एन और, एक घंटा। ओके गाइज, अब आते हैं प्लूरल नाउन की तरफ। प्लूरल नाउन कौन से होते हैं, सिंगुलर का क्या मतलब था, सिंगल का मतलब था कोई भी एक चीज, और प्लूरल का मतलब है कोई भी ऐसी चीज जो एक या एक से ज्यादा होगी, सॉरी दो या दो से ज्यादा होगी। एक चीज तो होगी सिंगल, लेकिन एक से बड़ी क्या, एक से ज्यादा क्या होगी, एक से ज्यादा दो ही होंगी, फिर दो से ज्यादा जो चीजें होंगी वो क्या होंगी हमारी, वो हमारी होगी प्लूरल। अब नाउन है तो मतलब के नाम, प्लूरल नाउन कोई भी ऐसा नाम जो मतलब दो या दो से ज्यादा नामों की बात हो रही होगी तो वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे प्लूरल नाउन होंगे। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट टू और मोर पीपल, एनिमल्स, प्लेसेस और थिंग्स, यूज
प्लूरल नाउन्स। वही बात आ गई, जब भी आप दो या दो से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, जानवरों की बात कर रहे हैं या जगहों की बात कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, प्लूरल नाउन्स का यूज़ करना है। मोस्ट नाउन्स आर मेड प्लूरल बाय एडिंग एस एट द एंड। अब वो कहते हैं कि भी बहुत से नाउन्स ऐसे होते हैं, मतलब कि प्लूरल नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके एंड पे एस लगा के हम ये जाहिर करते हैं कि हमारा ये जमा का फिक्रा है, मतलब ये प्लूरल का हमारा जो है ना फिक्रा है, ये नाउन है हमारा, प्लूरल नाउन है। फॉर एग्जाम्पल बर्ड है, तो हम क्या लगाते हैं इसके एंड में, जस्ट एस की ही नीड होती है हमें, बर्ड बर्ड्स। कैमल है तो कैमल्स, डेस्क है तो डेस्क्स, डॉल है तो डॉल्स, एग है तो एग्स, फ्लावर है तो फ्लावर्स। ठीक है, हमने इन फिक्रों के साथ क्या लगाया है, एस लगाया है। बट कुछ फिक्रे ऐसे होते हैं जिनके एंड पे हम ई एस लगाते हैं, एस नहीं लगाते, और वो कौन से होते हैं, जैसे कि बीच है, बीचेज है। और ये क्यों लगाते हैं ये भी मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। बीच है, बीचेज है, ब्रांच है तो ब्रांचेज है, बॉक्स है तो बॉक्सेज है, बुश है तो बुशेज, डिश डिशेज, ड्रेस ड्रेसेस, सैंडविच सैंडविचेस। अब भाई हमने यहाँ पे एस लगाया है, यहाँ पे हमने ई एस लगाया है, क्यों लगाया है अभी पता चल जाएगा। देखें, व्हेन द लास्ट लेटर्स ऑफ सिंगुलर नाउन्स आर सी एच, एस एच, एस 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 और एक्स, जब भी सिंगुलर नाउन का जो लास्ट लेटर होगा ना वो इन पांचों में से एक होगा, तब हमने क्या करना है, हमने ई एस लगाना है। अब देखें यहाँ पे है एस एस, तो हमने क्या लगाया, ई एस। सी एच है तो हमने लगाया ई एस, यहाँ पे एस एच है तो हमने लगाया है ई एस, एस एच फिर ई एस है, बॉक्स है मतलब एस एक्स है यहाँ पे देखें तो हमने लगाया ई एक्स, ई एक्स, ब्रांच सी एच है तो ई एस लगाया है। तो गाइज ये था इसका रूल। अब आते हैं आगे, अब आगे चलते हैं, सम प्लूरल नाउन्स एंड इन आई ई एस। अब कुछ प्लूरल नाउन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जिनके एंड में ई एस भी नहीं आता, एस भी नहीं आता, हम आई ऐड कर देते हैं उधर, आई ई एस लगाते हैं। अब वो कौन से नाउन होते हैं, वो होते हैं फर्स्ट में है बेबी, बेबी होगा तो बेबीज, आई ई एस, देखिए वाई हटा दिया है, वाई हटा दिया और हमने वाई की जगह क्या लगा दिया है, आई ई एस लगा दिया है। तो चेरी है तो चेरीज लगा दिया है। अब देखिए हमने जब इसको प्लूरल बनाया है तो हमने उस प्लूरल बनाने के बाद वाई को हटा दिया और वाई की जगह पे हमने आई ई एस का इजाफा किया है। और वो क्यों किया है, क्योंकि जो भी नाउन होगा जिसके एंड में वाई होगा वहाँ पर हमने क्या करना है, आई ई एस लगा देना है। ठीक है, व्हाट इफ देयर इज अ वाउल बिफोर द वाई, इन दैट केस एड एस टू फॉर्म द प्लूरल। अब देखें, अब वो कह रहे हैं कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके एंड पे वाई आता है बट हम वहाँ पे आई एस नहीं लगाते, जस्ट हम एस लगाते हैं। और वो क्यों लगाते हैं ये भी हम पढ़ेंगे। किडनी है तो किडनीज है, क्यों है, क्योंकि Y है ना, Y से पहले अगर कोई वाउल वर्ड होगा तो हमने क्या करना है, वहाँ पे जस्ट S ही लगाना है। अब देखें यहाँ पे जितने सारे वर्ड्स हैं किसी भी Y के जो पीछे है वाउल वर्ड था नहीं था, बेबी है, यहाँ पे B है तो हमने क्या लगाया है, आई ई एस लगाया है। चेरी है, वाई से पहले आर है, कोई वाउल वर्ड नहीं है तो हमने आई ई एस का इजाफा किया। अब ये जो वर्ड्स हैं एंड में तो वाई है बट Y से पहले क्या है, वाउल वर्ड है। मंकी है तो मंकीज है, टॉय है तो टॉयज है, वैली है तो वैलीज है, मतलब वैलीज एस एस लगाया है बस, हमने आई एस का इजाफा नहीं किया। ये देखें किडनी किडनीज, इसको थोड़ा हम स्पेस दे देते हैं। ओके ओके, अब एक और बात आ गई है कि इफ अ नाउन एंड्स इन एफ यू ऑफन चेंज एफ टू वी एंड एड ई एस। अब वो कहते हैं कि नाउन के एंड में अगर किसी भी नाउन के एंड में एफ आ जाता है तो आपने उस एफ को क्या करना है, एफ को वी में चेंज करना है, एफ को हटा देना है। जैसे कि हमने वाई को हटा दिया था यहाँ से, ये फैमिली है, हमने Y को हटा के आई ई एस का इजाफा किया था। इसी तरह यहाँ पे हमने F को हटा देना है, किसी भी नाउन के एंड में F होगा हमने F को हटा देना है, वहाँ से हमने F को हटा के वहाँ पे लगाना है V और साथ में क्या करना है, ई एस का इजाफा कर देना है। जैसे कि ये है शेल्फ है, शेल्फ, तो हमने क्या किया, जब इसको प्लूरल बनाया है तो शेल्व्स लगाया है। ओके गाइस, शेल्व्स।
शेल्फ एफ है, फिर एंड में देखें एस एच ई एल, एफ नहीं है, वी आ गया उसकी जगह पे, और आगे क्या है ई एस है। इसी तरह है थीफ, थीफ का क्या हमने जब प्लूरल बनाया तो हमने क्या कर दिया उसको, कर दिया है थीव्स। लीफ है, लीफ एफ है एंड में, जब इसको प्लूरल बनाया है तो एफ की जगह पे क्या आ गया है वी आ गया है, और एंड में क्या आ गया है ई एस, एल ई ए वी ई एस बन गया हमारा, ये प्लूरल हो के लीफ लीव्स। वुल्फ है तो वुल्व्स हो गया। तो गाइज आज की इस वीडियो में हमने समझा कि सिंगुलर नाउन क्या है और प्लूरल नाउन क्या है। ओके गाइज अगर आपको समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब ज़रूर दूंगी। ओके गाइज चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।